Bismillahirrahmanirrahim. My name is Mohit Ali and I am going to present my final year project which was happening at the University of Lahore last year. So the title of my project was the controlled shed poultry farming. Here are some of the outlines of my project. First of all, we have introduction, literature review, problem statement, aim and objective, methodology, expected outcomes and applications. Then we came at the estimated budget, Gantt chart and the references. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव इंट्रोडक्शन. पाकिस्तान जैसे मुल्क में रहते हुए हम सबको इस चीज़ का बहुत अच्छी तरह से अंदाज़ा है कि हमारे जो एग्रीकल्चर है एक बहुत बड़ा जो सरमायाकार है. हमारा पाकिस्तान का जो GDP है वो टोटल हमारी एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है. तो हमने एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाने का सोचा जिसके थ्रू हम अपने किसानों को बहुत अच्छी तरह से उनकी मदद कर सकें, जिसके थ्रू हमने एक प्रॉपर इंक्यूबेटर सिस्टम बनाया जिसके अंदर हमारे पास कुछ लाइट्स और फैंस और कुछ ऐसे सेंसर्स हमने इस्तेमाल किए कि जिसके थ्रू कोई भी बंदा कहीं पर भी बैठे उस पूरे सिस्टम को इस्तेमाल कर सकता था, जिसके थ्रू हमारा जो मेन मकसद था वो ये था कि हम एक प्रॉपर जो इंक्रीमेंट है एग्रीकल्चर में और हमारा जो लाइफ स्टॉक है खासकर हमने उसको फोकस किया कि उसकी जो प्रोडक्शन है उसमें इंक्रीमेंट आए. उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं लिटरेचर व्यू. हमें बहुत से ऑथर्स ने ये भी सजेस्ट किया कि हम एक ऐसा सिस्टम बना सकते हैं जिसके अंदर एक हमारे पास लाइट्स और फैंस का जो प्रॉपर सिस्टम होगा जो उसके थ्रू हम एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करेंगे और सॉफ्टवेयर का काम ये होगा कि कोई भी बंदा कहीं पर भी बैठा है तो सॉफ्टवेयर के थ्रू बाय जस्ट वन टच हम उसको उसके फैंस को लाइट्स को और उसके जो सेंसर्स हैं हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं. उसके बाद हमारे पास आ जाती है प्रॉब्लम स्टेटमेंट. अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमारे पास सबसे पहले ये आती है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में रहते हुए जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि एग्रीकल्चर हमारा बहुत बड़ा एक सरमायाकार है जिसके थ्रू हमारे जो पूरे मुल्क की GDP है वो चल रही होती है. तो हमें जो सबसे पहले प्रॉब्लम आई वो प्रॉब्लम ये आई कि जब भी हम कोई भी प्रॉपर सिस्टम बना लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमने एक इंक्यूबेटर कंप्लीट तो कर लिया लेकिन उसका जो इस्तेमाल है वो हर बंदा उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता था. इसलिए हमने कोई ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप करना था जिसके थ्रू जो हर बंदा अब चाहे वो अनपढ़ है या पढ़ा लिखा है वो सॉफ्टवेयर को आसानी उसको इस्तेमाल कर सके. सबसे पहला और दूसरा मसला ये आता था कि जब भी हम कोई भी काम शुरू करते थे एक एग्रीकल्चर से रेलिवेंट तो उसके अंदर हमारे पास टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी कंट्रोल करने के लिए कोई भी आला नहीं था, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हमारे पास नहीं था कि जिसके थ्रू हम उसको कंट्रोल कर सकें और हम उसको रीड कर सकें कि बेसिकली एट द रियल टाइम व्हाट इज़ द टेम्परेचर और व्हाट इज़ द ह्यूमिडिटी. सो दिस वाज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अवर प्रोजेक्ट. हियर कम्स द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स. द मेन पर्पस ऑफ अवर प्रोजेक्ट वाज टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द सिस्टम. हमने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मद्देनज़र रखना था कि कोई भी अगर किसान है जैसे कि जो फसलों में काम कर रहे होते हैं और कोई भी ऐसा बंदा है तो हमने उसकी जो कॉस्ट है अपने प्रोजेक्ट की उसको कम से कम रखना है ताकि हर बंदा उस सॉफ्टवेयर को ख़रीद सके और वह आसानी इस्तेमाल भी कर सके. क्योंकि अगर हम उसको सॉफ्टवेयर की जो प्राइस है उसको बहुत ज़्यादा कर देते तो बहुत से ऐसे लोग होते जो उसको इस्तेमाल तो करना चाहते पर उसको ख़रीद ना पाते. इसलिए हमारा जो मेन पर्पज़ था इस प्रोजेक्ट को बनाने का वो ये भी था कि हम उसका जो कॉस्ट है उसको कम से कम रखा जाए. उसके बाद दूसरा हमारे पास आ जाता है इजी टू मेंटेन. हमने इस सॉफ्टवेयर के अंदर और जो हमारा हार्डवेयर का प्रोजेक्ट था हमने उसके अंदर बेसिकली वो चीज़ें इस्तेमाल की जो इजी टू अवेलेबल इन द मार्केट थी. हमने उसके अंदर सेंसर्स वो इस्तेमाल किए जो कि हमारे मार्केट से बहुत आसानी मिल सकते थे. उसके अलावा जो हमने फैंस इस्तेमाल किए वो DC फैंस थे और उसके अलावा जो लाइट्स थी हमारे पास 40 वोल्ट्स के बल्ब थे जो कि हमें आसानी मार्केट से मिल सकते हैं. तो फॉर एग्जाम्पल कभी भी हमारा हार्डवेयर जो है या हमारा जो इंक्यूबेट सिस्टम है कभी भी कोलैप्स कर जाता है तो हम इजीली हम उसको पूरे के पूरे सिस्टम को दोबारा से प्रॉपर वे से उसको हम बना सकते हैं. उसके बाद जो हमारे पास तीसरा आ जाता है वो है इजी टू यूज़. बहुत ज़्यादा बेसिक प्रिंसिपल हमारे इस प्रोजेक्ट का था इजी टू यूज़. जैसे कि मैंने पहले बताया कि बहुत से लोग इस्तेमाल करना इसको चाहेंगे लेकिन कर नहीं पाएंगे तो इसलिए हमने इसको ईजी टू यूज़ रखा. बाय जस्ट वन टच आप उसको फैंस की जो कंट्रोलिंग होगी उसको कंट्रोल कर सकते हैं. उसके अलावा जो टेम्परेचर की रीडिंग्स होंगी आप उसको देख सकते हैं. इसके अलावा जो हमारे 40 वोल्ट का जो बल्ब होगा जो हमने इस प्रोजेक्ट में यूज़ किया है जिसके थ्रू हम हीट प्रोवाइड करेंगे और टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे हम उसको भी ऑन एंड ऑफ बाय जस्ट वन टच कर सकते हैं. उसके बाद आ जाता है इंक्रीज द ओवरऑल प्रोडक्शन ऑफ द एग्स एनुअली. द मोस्ट प्रॉपर प्रिंसिपल ऑफ आवर प्रोजेक्ट वाज दिस टू इंक्रीज द एग्स प्रोडक्शन एनुअली एंड विद द प्रॉपर ह्यूमिडिटी एंड द टेम्परेचर कंट्रोलिंग सिस्टम. सो नाउ वी हैव द मेथोडोलॉजी.
हमारे प्रोजेक्ट के अंदर एक ऐसा हमने एक प्रॉपर सिस्टम बनाया जिसकी बैक साइड पे हमने जो लैंग्वेज यूज की डेट वाज सी शार्प वाज यूज एट द बैक एंड. फॉर द फ्रंट एंड वी यूज द ब्लिंक आईओटी. ब्लिंक आईओटी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि हमारे पास प्रॉपर हमारे पूरे इंटरनेट के ऊपर इजी टू अवेलेबल है और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है. हमें उसके लिए कोई भी कॉस्ट नहीं देनी पड़ती और उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हमें उसकी जो कोडिंग है वो कम से कम करनी पड़ती है. बाय जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप वी कैन मेक अ प्रॉपर सॉफ्टवेयर थ्रू विच वी कैन कंट्रोल ओवर IoT रिलेवेंट थिंग्स. फॉर एग्जाम्पल लाइट्स, फैंस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. Then we use NodeMCU for the people who don't know what is NodeMCU. NodeMCU is basically a microcontroller unit which was used in our project, which worked as a brain of our whole project. It controls over our lighting system, over our temperature controlling system, the humidity sensor system, each and everything was controlled by the NodeMCU. Then we have the web dashboard. Web dashboard there was controlled by the Blink IoT. For example, if we are using laptop or our phone at any place, we can use the our project by just the web application. We don't need to install the software as per whole. Then this is the block diagram. हमने अपने प्रोजेक्ट के अंदर सबसे पहले जो मेन चीज़ इंप्लीमेंट की हमने वो ये चीज़ इंप्लीमेंट की कि हमने इसको जो कि इजी टू यूज़ रखना है तो ये बिल्कुल फ्री ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा. इसके अंदर हमारे पूरे प्रोजेक्ट के अंदर कहीं से भी कोई भी इलेक्ट्रिसिटी का जो हमने सिस्टम है उसका लूप होल है वो नहीं छोड़ा. सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास एक USB केबल आ जाती है जो कि हमारे पूरे प्रोजेक्ट को 5 वोल्ट का करंट जो है वो प्रोवाइड करेगी. 5 वोल्ट वॉज मोर देन इनफ फॉर अवर होल प्रोजेक्ट. Then it is connected to the NodeMCU. NodeMCU then is connected with the relay module, and relay module is connected to the 40 volt bulb. Here the relay functionality of the relay module was to provide the sufficient voltages for the current to the whole project. Then we have the temperature and the humidity sensor. OLED was used which will show the readings of the project, for example the temperature and the humidity readings. The NodeMCU will be connected with the internet, and the internet shortly will be connected to the Blink cloud, and through the Blink cloud we will get the functionality of the whole project on our phones. Then these are the expected outcomes and the applications. जैसे कि मैं आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में बता चुका हूँ कि हमारा मुल्क जो है वो एक एग्रीकल्चर कंट्री है, तो इसके अंदर हमने एक्सपेक्टेड आउटकम्स और एप्लीकेशन हमारी ये थी कि हम एनुअली जो भी चिकन मीट है उसको हम एनुअली ग्रो करें, उनको एनुअली हम इंक्रीज करें. उसके अलावा जो एग्स की प्रोडक्शन है उसको एनुअली हम इंक्रीज करें जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम कर सकते हैं. और सिर्फ उसको इंक्रीज करना हमारा मकसद नहीं था. हमारा मकसद ये था कि हम प्रॉपर एक क्वालिटी के साथ प्रॉपर एक उसका क्वालिटी इंश्योरेंस होगी सॉफ्टवेयर की साइड से भी, हार्डवेयर की साइड से भी, जिसके थ्रू ये पूरा हमारा सिस्टम होगा वो इंक्यूबेट होगा, और इंक्यूबेट होने के बाद हमारा जो प्रॉपर सारा सिस्टम है वो आगे मार्केट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा. उसके बाद हमारा आ जाता है एस्टिमेटेड बजट. जब भी हमने हार्डवेयर को बनाना स्टार्ट किया तो उसके अंदर हमारे पास कुछ कंपोनेंट्स थे जो कि बहुत महंगे भी थे, और बट दे वर इजीली अवेलेबल इन द मार्केट. सो द ओवरऑल एस्टिमेटेड बजट बजट वाज 9600 ऑफ आवर प्रोजेक्ट. सो दिस इज द गैंट चार्ट. हमने अपना प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट किया अक्टूबर 2022 में, जिसके अंदर हमने बहुत से लोगों से जाके उनके रिव्यू लिए कि क्या वो हमारे जो प्रोजेक्ट को है बासानी यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्या वो उनको समझ आ रही है कि हमारे जो फैंस और लाइट्स हैं उनकी जो प्रॉपर फंक्शनैलिटी है वो क्या है, वो किस तरह से वर्क करेंगे, बाय टचिंग क्या वो बासानी काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते. तो हमने 2022 अक्टूबर में इस प्रोजेक्ट को करना स्टार्ट किया, और जो हमारी जो फाइनल डेमोन्स्ट्रेशन हुई थी और जो उसकी फाइनल प्रेजेंटेशन हमने जो प्रोजेक्ट की दी थी, आफ्टर विच वी इंट्रोड्यूस अवर प्रोजेक्ट ऑन द मार्केट, इट वॉज June 2023. एंड दिस इज द प्रोटोटाइप ऑफ आवर प्रोजेक्ट. दिस इज द OLED विच इज शोइंग द रीडिंग्स ऑफ द टेम्परेचर एंड द ह्यूमिडिटी. देर इज अ 40 वॉल्ट बल्ब विच इज कनेक्टेड विद NodeMCU विच विल विच इज पासिंग द करंट थ्रू द रिले मॉड्यूल. एंड वी ऑल्सो हैव अ another Arduino microcontroller which will control the circumstances of our whole project. And we have this is the DST 11 which is known as the temperature sensor for the humidity and temperature.
थैंक यू।